सिने केमिस्ट्री अड्डा से और आप सभी का दिल खोल के स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा या केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन पर। तो चलिए, चूंकि समय कम है और हम लोग को पढ़ना बहुत ज्यादा है, हम लोग धीरे धीरे अपने मुद्दों की बात करेंगे। और आज का जो मुद्दा है हम लोग का क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप का मॉडल से पूछा जाएगा एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और आज का भी सेशन हम लोग उसी के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्लास 12 का जो है एक चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, द चैप्टर नेम इज केमिकल काइनेटिक्स। बट केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं दो शब्द आप लोगों के लेकर आया हूँ, और वो दो शब्द ध्यान से सुनिएगा क्या है और क्या सीखने वाले हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदल दो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदल दो, मत कोसो इन मजबूरियों को, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद जय भारत। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर का नाम है, आपको पता होगा क्या नाम है, केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 का है आपका, 12th क्लास, ठीक है। और मीडियम हम लोग दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे, हिंदी भी और इंग्लिश में, दोनों सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम में। और जैसा कि आपको पता है बहुत सारे बच्चे जो है यूट्यूब पे क्लास पढ़ते हैं और मेरा वीडियो देखते हैं, तो बहुत दिनों से कमेंट में आ रहा था कि सर केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो जरूर बनाए, चूंकि इसका इस चैप्टर का जो है वीडियो ना तो यूट्यूब पे है ना ही एप्लीकेशन पे है। और जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी आप फ्री कंटेंट पीडीएफ और फ्री वीडियो में जाकर आप जो है केमिस्ट्री आसानी से सीख सकते हैं। और दूसरी बात हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th चैप्टर नेम इज केमिकल काइनेटिक्स। और बहुत ही प्यारा प्यारा रिएक्शन है, उम्मीद करते हैं कि जितना भी रिएक्शन पढ़ाया जाएगा और जो भी हम बताने जा रहे हैं वो सारा क्लियर आपका हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिट निकालने के लिए, ध्यान दीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक से कितने नंबर्स का और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन रिलेटेड दिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा जाता है यूनिट निकालने के लिए, क्या पूछा जाता है, यूनिट निकालने के लिए। और यूनिट जो है सबसे पहले निकालेंगे कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट दिया रहेगा, या फिर आपको ऑप्शन दे देगा, या फिर डायरेक्ट निकालने के लिए पूछ देगा वन मार्क्स वर्ड्स में, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट जो आपका सब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, और सेकंड जो है आपका सब्जेक्टिव पूछेगा उसमें वन वर्ड्स का भी आंसर देना रहता है। तो उस उन सब क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि आपको डायरेक्ट वन वर्ड्स में आंसर देना रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पेश करते हैं हम लोग यूनिट निकालने के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी रिएक्शन पूछ देगा आपको, क्या पूछ देगा, यूनिट निकालो, ठीक है। यूनिट निकालने के लिए पूछा जाएगा आपको, कोई भी ऑर्डर का दे देगा और बोलेगा उसका यूनिट बताओ, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं यूनिट निकालने के लिए, सबसे पहले यूनिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं, और उस फॉर्मूला को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगर वो फॉर्मूला आपके पास है तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा, यानी यूनिट से एक नंबर आपको छोड़ना नहीं है। तो यूनिट कैसे निकालते हैं, देखिए कोई भी रिएक्शन का जो है यूनिट पूछेगा, क्या पूछेगा, यूनिट निकालने के लिए। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है के इक्वल टू मोल पर लीटर का पावर वन माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्या होता है, मोल पर लीटर का पावर वन माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, ये किसका यूनिट होता है, एन ऑर्डर रिएक्शन का, कौन ऑर्डर का, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। और यहां पर इस n के जगह अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा जीरो ऑर्डर, तो आप जीरो बैठा दिए, फर्स्ट ऑर्डर तो फर्स्ट बैठा दिए, सेकंड ऑर्डर तो सेकंड बैठा दिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जहां दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स खाली है, आप उसमें कमेंट जो है करके जरूर बता सकते हैं कि सर मुझे इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो यहां पर हम लोग मान लीजिए आपको जीरो ऑर्डर का निकालना है, किसके लिए, फॉर जीरो के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा पूरा चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है,
पूरा चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे जो है कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही हम लोग करेंगे, क्योंकि पूरा करेंगे तो हमको लगता नहीं है कि उतना करके कोई फायदा हम लोग को होने वाला है। तो इसलिए क्या करना है आपको, उसी क्वेश्चन को या उसी टॉपिक को कवर करेंगे जो आपका एग्जाम से रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जीरो ऑर्डर का पूछेगा तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 0, n का वैल्यू क्या है 0 है, जीरो ऑर्डर में n का वैल्यू क्या है आपका 0 है, तो 1 माइनस 0 करेंगे दैट मींस कितना बचेगा 1 ही बच रहा है, तो 1 माइनस 0 1 बचा इनटू बाहर क्या बचा सेकंड इनवर्स। इसको जब आगे बढ़ाएंगे किसी का पावर 1, किसी का भी वैल्यू अगर पावर में 1 रहता है तो वो क्या होता है 1 के उसी के इक्वल होता है, 5 का पावर 1 5 होगा, 2 का पावर 1 2 होगा, तुम्हारे पावर 1 तुम्हें रहेगा, ठीक है विनोद। तो चलो तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, k का वैल्यू मोल पर लीटर और इनटू सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा आपका जीरो ऑर्डर का यूनिट। दिस इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर पूछा जाएगा कि आपको फर्स्ट ऑर्डर का निकालिए, कौन ऑर्डर का निकालने बोलेगा, फर्स्ट ऑर्डर का निकालो, चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग एक एक पॉइंट को एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि ये जो है पूरा सिलेबस हम लोग कवर करना है और पूरा सिलेबस में इंपॉर्टेंट है हम लोग करेंगे। तो जैसे आपको पूछा जाएगा कि आप जीरो जीरो का निकालिए, फर्स्ट का निकालो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो एन इसका क्या हो जाएगा 1, चलिए निकालते हैं, के का वैल्यू हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 1, ध्यान दीजिएगा एन का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 1 माइनस 1 हो गया और बाहर बचा क्या सेकंड इनवर्स, क्या बचा सेकंड इनवर्स, तो के इसका क्या हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर 0, किसी का 1 माइनस 1 मीन्स क्या हो गया 0 हो गया, और किसी का पावर जब 0 रहता है ठीक है, और ये अपना जैसा का तैसा, तो किसी का पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, कितना होता है 1, और इनटू बचा क्या सेकंड इनवर्स, दैट मींस आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, चलिए सेकंड के लिए निकालते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 2 ठीक है, तो जब n का वैल्यू 2 लेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 2 इनटू सेकंड इनवर्स, चलिए 1 माइनस 2 दैट मीन -1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर -1 इनटू सेकंड इनवर्स। अब देखिए किसी का पावर 1 या फिर ऐसे इसको हम लोग निकाल सकते हैं, के इक्वल टू यहां से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा मोल -1 यानी पर मोल, मोल इनवर्स माइनस माइनस प्लस यानी लीटर हो जाएगा प्लस में और सेकंड अपना जैसा का तैसा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यूनिट निकालने के लिए, पहला पॉइंट हम लोग यहाँ से क्लियर कर लिए हैं ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया, अब देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं और देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कहाँ डिपेंड्स करता है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है कहां कहां पे डिपेंड करता है ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ आपका, क्या ऑप्शन दिया हुआ, ये कहां डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पूछा है, ये डिपेंड्स कहां करता है ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन करेंगे, तो और जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन खुद का बनाया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स कहां करता है, ऑप्शन दिया हुआ टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ आपका कैटलिस्ट, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ आपका रेडिएशन और नंबर 4 में दिया आपका ऑल। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो आंसर होने वाला है बहुत ही प्यारा सा आंसर होगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑल, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड्स करता है, यानी सारा का सारे पॉइंट्स पर ये क्या करता है डिपेंड्स करता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि H2O2 H2O प्लस हाफ O2 बन रहा है, H2O2 जो है ये जो H2O2 है ये टूट गया ठीक है,
जैसे टूटा तो ये टूट गया H2O प्लस हाफ O2 में, और पूछ रहा है कि द गिवन रिएक्शन इज व्हिच टाइप ऑफ व्हिच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द गिवन रिएक्शन इज व्हिच ऑर्डर, दिए गए रिएक्शन किस ऑर्डर का रिएक्शन है, तो आपको बताना है कि ये जीरो का है कि फर्स्ट का है कि सेकंड का है थर्ड का है। तो जब भी आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ते हैं या उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं तो कुछ कुछ पॉइंट जो है ना आपको याद रखना पड़ता है। यहाँ पर हम तीन एग्जांपल बता रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए, और फिक्स उसका एग्जांपल होता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये जो रिएक्शन दिया है ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का, हो जाएगा किसका, हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का। सर जीरो ऑर्डर का भी बता दीजिए, तो देखिये जीरो ऑर्डर का बता दे रहे हैं H2 प्लस Cl2 और ये बन जाएगा 2HCl, ये हो जाएगा आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर। फर्स्ट हो गया जीरो हो गया, सेकंड हो जाएगा आपका H2 प्लस I2 और ये बन जाएगा 2HI, ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स जो है आप लिखते चलिए, समझते चलिए और एक एक पॉइंट्स को जो है आप बनाते चलिए। जहां दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बार बार बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए, ताकि आपकी हुई असुविधा को हम समझ सके और उसका सोल्यूशन हम आसानी से आपको दे सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन अभी करना है, लगभग 20-25 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, और इन पॉइंट्स को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखें N2O5, ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्शन दिया है 2N2O5 और इधर बन रहा 4NO2 प्लस O2, ठीक है, और पूछा है इसका मॉलिक्युलरिटी बताओ। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट आया है कि इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी बताओ, क्या बताओ, मॉलिक्युलरिटी बताओ क्या होगा। ऑप्शन में तो बहुत सारा दिया, लेकिन आपको उसी ऑप्शन को मारना है जो गलत है, ठीक है, जो गलत है उसी को मारना है, चल जाएगा बोरा, इसलिए गलत वाला को नहीं मारना, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, मॉलिक्युलरिटी पूछा, क्या सही होगा, आपको गलत में नहीं माना, जैसे गलत में मारेगा तो चल जाएगा सीधे, समझ गया वो कहां जाने वाला, ठीक है, समझ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना कहां जाने वाला, ठीक है। चलिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट्स द मीनिंग ऑफ मॉलिक्युलरिटी, माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट्स द मीनिंग ऑफ मॉलिक्युलरिटी, एंड यू नो दैट्स द मीनिंग ऑफ मॉलिक्युलरिटी, दैट मींस द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स which are participate in the reaction, that is called molecularity. क्या बताया मैंने कि किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट भाग लेते हैं, किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी को ही हम लोग क्या कहा जाता है, मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका देखिए, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट है, दो है, इसका मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा आपका दो। यानी किसी अगर सिंपल भाषा में, सस्ता भाषा में, नॉर्मल भाषा में आपने लैंग्वेज में सिखा जाए तो किसी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट व्हिच आर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। समझ में आ रहा है? चलिए, और समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये मॉलिक्युलरिटी समझ गए, कोई दिक्कत है और दिक्कत है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर है, टोल फ्री नंबर है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और वो क्या क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं, देखते हैं ध्यान से क्या क्वेश्चन है। पूछा द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अभी मैंने बताया ना यूनिट से सेकंड ऑर्डर के लिए, तो सेकंड ऑर्डर का यूनिट हो जाएगा आपका, ये सिंपल, इसको बताने का दोबारा जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ बहुत सारे यूनिट निकाल चुके हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर का भी यूनिट हम लोग क्लियर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, ये जो है ना जीरो भी हो सकता है, कोई डिजिट भी हो सकता है पॉजिटिव में, ठीक है, और या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, हाफ, 3/2, 1/2 इस फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन अगर पूछेगा मॉलिक्युलरिटी, क्या कोई दिया मॉलिक्युलरिटी, तो याद रखिएगा मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं होता है, मॉलिक्युलरिटी जो होता है वो कभी जीरो नहीं होता है, और अगर टिक लगा दिया तो सीधे समझ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूछा है ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है,
कि कंसेंट्रेशन को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको कंसेंट्रेशन को, तो कंसेंट्रेशन को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बोलो क्या होगा? देखो विनोद क्या होगा, एक चीज याद रखिएगा, अभी मैंने बता रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करता है कहाँ कहाँ पर, आपका टेम्परेचर पर, कैटलिस्ट पर, रेडिएशन पर, कंसेंट्रेशन पर, इन पॉइंट्स पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड्स करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइक टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कंसेंट्रेशन एंड यू नो यू सी सो दैट रेडिएशन, तो इन चारों पॉइंट पर डिपेंड करता है। और जैसे पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को अगर बढ़ाते हैं तो कंसेंट्रेशन क्या होगा, या कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का भी, कैटलिस्ट का, टेम्परेचर का भी, रेडिएशन का भी, टेम्परेचर का भी होता है, कंसेंट्रेशन का भी होता है, और आपका चलिए रेडिएशन का भी लिख दे सकते हैं, रेडिएशन का भी होता है, यानी कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेडिएशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था पता है विनोद, क्या पूछा था कि अगर कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, अगर कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन देन व्हाट विल बी द, क्या व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू नो दैट ऑन इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर, क्लियर दिस पॉइंट्स? यस। एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन, आई थिंक दिस आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिस आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब क्या है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आ जाएगा, मॉलिक्युलरिटी से आ जाएगा, रेट से आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा किस टाइप का ऑर्डर है, यूनिट है, यही सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अब लॉन्ग क्वेश्चन में, कहाँ चलेंगे अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कुछ कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा लॉन्ग टाइप में। तो लॉन्ग टाइप ये था, जितने था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड था, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में कि किस किस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पेश करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, देखिए एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पूछ देगा, क्या पूछ देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस होता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या अंतर है, इसके बारे आपको क्या करना है बताना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या अंतर है, एक एक पॉइंट को समझिएगा, मैं एक एक पॉइंट क्लियर करते चल रहा हूं, बताते चल रहा हूं, ठीक है। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, शॉर्ट में बता रहे हैं, चूंकि हम लोग को सिर्फ समझना है, यहाँ पढ़ना नहीं है, समझना है, पढ़ाई के साथ समझना है, अगर आप समझ गए तो किसी को समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो है ना मीनिंग को पहले समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यू क्लियर देम ईच अदर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। अगर आप समझ जाते हैं तो किसी को समझा सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या। तो आपको पता है कि कंसेंट्रेशन का जो पावर होता है, कंसेंट्रेशन का जो पावर होता है, उस पावर का सम जोड़ को ही हम लोग क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन के पावर का सम। जैसे एक रेट दिया रहेगा, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको देते हैं, ठीक है, एग्जाम में R इज इक्वल टू के और A का पावर 2 और B का पावर आपका दे दिया 1, पूछेगा इसका ऑर्डर निकालो, क्या निकालो ऑर्डर निकालो। तो ऑर्डर निकालने के लिए, ऑर्डर करना नहीं ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालने के लिए हमको क्या बताएं अभी कि कंसेंट्रेशन का पावर को जोड़ दो, जो कंसेंट्रेशन में बैक बैक है
कंसेंट्रेशन का मतलब क्या बताएं, बिग ब्रैकेट, तो कंसेंट्रेशन का जो पावर रहता है उसको आपस में जोड़ देना, और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोनों पावर को जोड़ दो तो 2+1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आ रहा समझ में ना? चलिए सर क्लियर है, पहला पॉइंट हो रहा है। सेकंड पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या होता है आपको पता है, सेकंड पॉइंट जो होता है ना उसमें क्या बताया जाता है, तो सेकंड पॉइंट में याद रखना इसका जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू 0 हो सकता है, 1, 2, 3 डॉट 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 या फ्रैक्शन भी हो सकता है। यह था आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर डिस्कस किया जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 3 होता है और मिनिमम वैल्यू आपका 0 होता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट में आप एग्जांपल दे सकते हैं या फिर एक पॉइंट है इसमें माइंड से आने रहा, थोड़ा सा वेट कीजिए। कि ये जो है ये एक्सपेरिमेंटली मेथड है, ये कैसा मेथड है, एक्सपेरिमेंटली मेथड, एक्सपेरिमेंटली मेथड है ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये आपका कैसा मेथड है, एक्सपेरिमेंटली मेथड है, यानी विदाउट एक्सपेरिमेंट से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करेंगे मॉलिक्युलरिटी के बारे, किसके बारे, मॉलिक्युलरिटी के बारे। तो मॉलिक्युलरिटी का पहला पॉइंट क्या होता है, मेरे स्टूडेंट्स ध्यान देके समझो और कोशिश करो समझने का, क्योंकि आपके फायदों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप सबों के सुविधा के लिए, ताकि घर बैठे जो है आप केमिस्ट्री आसानी से पढ़ सके और अच्छे से अच्छे नंबर्स, अच्छे से अच्छे मार्क्स जो लाकर है आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा ये जो मॉलिक्युलरिटी है कौन, ये जो मॉलिक्युलरिटी है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, और इसमें क्या होता है पता है कि टोटल रिएक्टेंट को लिखा जाता है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कि कितने कौन कौन, जैसे कोई भी खेल होता है या कोई भी रेस होता है, पार्टिसिपेट बच्चे करते हैं डांस में, गेम में, ठीक है, बहुत सारे आप लोग अभी खेलते होंगे पबजी वगैरह, हालांकि अभी थोड़ा उसका क्रेज कम हुआ है, बहुत सारे उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, मारो मारो मारो। तो यहाँ पर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट कि कितने रिएक्टेंट उसमें पार्टिसिपेट है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। जैसे एक रिएक्शन मैंने ले लिया ए प्लस बी, बना दिया प्रोडक्ट, क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, तो पूछेगा इस रिएक्शन में कितना मॉलिक्युलरिटी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि इसमें कितने पार्टिसिपेट है, 2 है, एक ए और एक बी, तो इसका मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अगर ऐसा दे देता कि 2A + 3B और प्रोडक्ट, तब इसका मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगा बताइए आप, तो इसका हो जाएगा ए 2 है और बी 3 है, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा आपका इसका 5। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरे स्टूडेंट्स, कि इसका जो वैल्यू होता है 0 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी का भी 0 नहीं होता। विदाउट पार्टिसिपेट कहीं खेल होता है क्या, नहीं होता है। जब नहीं होता है तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए, कम से कम एक रिएक्टेंट चाहिए, तभी तो रिएक्शन होगा विनोद, और नहीं तो फिर चल जाएगा। तो इसका जो है वैल्यू जो होता है वो आपका 0 नहीं होता है, ठीक है, कम से कम एक रिएक्टेंट होना चाहिए, और एक रिएक्टेंट होगा तभी उसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, ध्यान दीजिएगा। नंबर थर्ड पॉइंट, ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट में बताया गया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में क्या इसका होता है। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मैक्सिमम 3 था, मिनिमम 0 था, अब इसका मैक्सिमम कितना होता है, तो मॉलिक्युलरिटी का भी मैक्सिमम आपका 3 होता है और मिनिमम होता है 1, ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट जो है ये आपका एक्सपेरिमेंटली मेथड था, कि बिना एक्सपेरिमेंट से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली मेथड नहीं है, ये कैलकुलेटिव मेथड है, कैलकुलेटिव मेथड है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस। इन 4 पॉइंट को नोट कीजिएगा, कॉपी में अच्छे से लिखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी वाला क्वेश्चन है, और आई थिंक जो है वहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, कंफर्म है वहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो तब तक इसको नोट कीजिए और हम लोग जो है आगे नेक्स्ट
लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे क्या क्या है नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। एज यू नो दैट्स टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नेम इज केमिकल काइनेटिक्स एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 12th एंड सेमेस्टर 3 ग्रेजुएशन। वैसे छात्रों के लिए टॉपिक बनाया गया है जो क्लास 12 में बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं या क्लास 12 में जो पढ़ रहे हैं या फिर सेमेस्टर थर्ड बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन छात्रों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का कभी कभी पूछ देता है, ग्रेजुएशन में तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है बट क्लास 11 में जो है क्लास 12 में जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है कभी कभी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एक्सप्रेस रेट कॉन्स्टेंट, आपको रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू आपको निकालना है, के का वैल्यू, रेट कॉन्स्टेंट दैट मीन्स के का वैल्यू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन के लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। टू एक्सप्रेस द रेट कॉन्स्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड ऑल्सो फाइंड हाफ लाइफ पीरियड, और आपको क्या निकालना है? हाफ लाइफ पीरियड निकालना। पहले आपको निकालना है क्या है कि रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है जीरो ऑर्डर का। जैसे रेट कॉन्स्टेंट निकल जाएगा तो रेट कॉन्स्टेंट निकालने के बाद आपको क्या निकालना है? हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड। तो चलिए एकदम मजेदार से हम लोग पढ़ते हैं, आराम से धीरे धीरे मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हम लोग का मोहब्बत कहाँ तक जाता है। चलिए माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगा हो। तो रेट कॉन्स्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन मानना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन मानेंगे और वो किस टाइप का रहेगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्शन हम लोग मान रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं इसको, ठीक है, और प्रूव करेंगे कि एक रिएक्शन माने हैं ए से प्रोडक्ट, क्या बन रहा है? ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और यहां पर इस टाइप का एक फॉर्मेट बना लोगे आप लोग, ठीक है, और इस फॉर्मेट में लिख देना है एट इनिशियल, शुरुआत में, और एक लिखना आफ्टर टी टाइम, कुछ देर बाद, आफ्टर टी टाइम, कुछ देर बाद। तो इनिशियल और फाइनल लेंगे, आफ्टर इनिशियल और आफ्टर टी टाइम। यहां पर जो ए का वैल्यू स्टार्टिंग में, शुरुआत में ए का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा ए, स्मॉल ए मान लीजिए, इसका कंसेंट्रेशन का वैल्यू कितना मान लीजिए ए, और प्रोडक्ट क्या बना? घंटा, जीरो होगा। क्यों सर जीरो क्यों होगा? क्योंकि जब रिएक्शन हुआ ही नहीं है स्टार्टिंग में, आपका क्या लिखा हुआ? एट इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट पर जब रिएक्शन हुआ ही नहीं है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जीरो ही ना बनेगा। जी सर जीरो बनेगा। मुद्दे की बात करेंगे हम लोग, और मुद्दा आज का हम लोग का है रेट कॉन्स्टेंट निकालना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट कैसे निकालते हैं। तो यहां पर मान लिया हम लोग इसका वैल्यू ए, इसका वैल्यू क्या मान लिया? जीरो। अब आफ्टर टी टाइम यानी जब रिएक्शन हो गया तब, तो जब रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? कुछ तो बनेगा ही नया चीज, और क्या बनेगा? गाजर का हलवा। तो नया प्रोडक्ट क्या बनेगा देखते हैं। देखिए मान लीजिए प्रोडक्ट बन गया आपका एक्स, क्या मान लिया हम लोग? प्रोडक्ट क्या बना? एक्स। और ये एक्स निकला कहां से? एक्स जो है वो निकला कहां से? ए से निकला। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ए माइनस एक्स होगा। क्या होगा? ए माइनस एक्स। ये था आपका फॉर्मेट, कोई भी ऑर्डर का निकालिए आपको ये फॉर्मेट बनाना नेसेसरी, और इसमें कहीं चेंज नहीं होगा, जैसा का तैसा ही रहेगा, इसमें आपको कहीं चेंज नहीं करना, ये जैसा दिया हुआ वैसे फॉर्मेट में बना पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि मान लो ये हम लोग निकाल रहे थे जीरो ऑर्डर के लिए, तो आर जो होता है ना, आर रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसका? कंसेंट्रेशन ऑफ ए का, रिएक्टेंट का। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट का, और कंसेंट्रेशन का फॉर्म में लेना है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में नहीं लेना। चलिए कौन ऑर्डर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं? जीरो ऑर्डर के लिए आप प्रूव कर रहे हैं। किस ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर पावर में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आर का वैल्यू है आपको क्या पता? डीएक्स बाय डीटी। इन्हें आर का वैल्यू क्या होता है? डीएक्स बाय डीटी। जैसे आर का वैल्यू होगा, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट यूज करते हैं के, और ये जो फाइनल ए का जो वैल्यू दिया हुआ, फाइनल वैल्यू कितना दिया हुआ? ए माइनस एक्स का पावर जीरो। क्या हो गया पावर में? जीरो। अब क्या करेंगे? प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे
और देखेंगे आगे हम लोग कहां तक पहुंचते हैं। देखो ये dx by dt रहने दो अपना जैसा का तैसा, k जैसा का तैसा, किसी का पावर यानी a माइनस x का पावर क्या दिया हुआ आपके स्क्रीन पर, जीरो दिया। तो किसी का पावर जब जीरो होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है। तो k into 1, कोई तकलीफ कष्ट परेशानी, किसी को दिल में दर्द है, दिल धक धक कर रहा है, तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग केमिस्ट्री को प्यार से पढ़ेंगे और प्यार से समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि dx by dt जो है k into 1 हो गया। अब dt को उस साइड लेके चलो, उधर लेके चलो कब्जा में, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, k into dt। अरे होगा कि नहीं बोलो, dt चला गया उधर, अब इसका क्या करेंगे पता है, नहीं इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो जैसे ही टैकिंग इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों साइड, टैकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये dx का इंटीग्रेटिंग इक्वल टू कांस्टेंट कहां, बोरा में बाहर, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा dt। अरे होगा कि नहीं होगा बोलो, जी सर। तो dx का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, मैं तो अगर कहीं पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो मैं पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़िए और समझिए। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की अपना जैसा का तैसा, और dt का क्या हो जाता है, t प्लस कॉन्स्टेंट, तो कुछ लेना पड़ेगा ना इंटीग्रेटिंग, तो कॉन्स्टेंट में हम लोग मान लेते हैं आई, इक्वेशन वन, और यहां पर लिख देना वेयर आई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, कैसा कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, यही तो है क्वेश्चन। कहीं दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है, कष्ट है, नहीं ना, और है तो अपने पास रखो, हम नहीं लेने वाले। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे प्रोसेस को। देखिए अब इसके आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे खेला होगा, क्या होगा, खेला होगा। अब क्या खेला होगा, देखो व्हेन टाइम, जब हम लोग जीरो ले लेते हैं, वेयर के बाद कहां गया हम लोग, व्हेन में, कि जब टाइम जीरो ले लिए तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं विनोद, जी सर होगा, क्योंकि समय देंगे तभी तो रिएक्शन होगा, बिना समय दिए कुछ होता नहीं, पता है, चलिए समय देना पड़ता है, फिर कोई बात नहीं, समझ गए होंगे कहाँ समय देना है, क्या करना है, पढ़ो नहीं तो चल जाएगा बराबर। तो यहाँ पर हुए तक कोई दिक्कत नहीं था, अब हम लोग हुएन पे आए हैं, और हुएन में क्या माने कि समय को जब जीरो लिए हैं तो प्रोडक्ट भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये दोनों का जो वैल्यू है इसको इक्वेशन वन में क्या कर दो, ठेल दो, बैठा दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड एक्स इन इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन वन, तो वन में जैसे पुटिंग करेंगे दोनों वैल्यू को, एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ पर हो गया जीरो, के इंटू टी, तो के और इंटू टी का वैल्यू क्या है, जीरो, प्लस बचा क्या, आर, क्या बचा, आर, यानी ये जीरो हो गया, ये पूरा जीरो, तो देट मीन्स आई इज इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, टू मान लिए, क्या मान लिए विनोद, इक्वेशन टू मान लिए। अब जो इक्वेशन टू आया है उस टू का वैल्यू को फिर वन में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ तेरी वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, जैसे ही टू का वैल्यू को वन में पुट करेंगे तो नया चीज बनेगा, देखते हैं, टू का वैल्यू दैट मीन्स आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो x इक्वल टू क्या बचेगा, kt, दैट मींस x इक्वल टू kt, एंड यू नो दैट माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन व्हाट यू हैव डन, तब आप क्या कीजिएगा, क्या करेंगे, k निकालना है, तो k इक्वल टू t को इधर ले जाओ, तो x y t, यही हम लोग को प्रूव करना था, और ये इक्वेशन चला जाएगा कहां, थ्री पर चला जाएगा, दिस इज इक्वेशन थ्री। अब क्या करना है, ये जो है रेट कांस्टेंट जो किया था वो हम लोग का फाइंड हो चुका है, फाइंड हो चुका है, अब एंड क्वेश्चन में देखो और लिखा हुआ, एंड आल्सो फाइंड हाफ लाइफ पीरियड, और क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड भी आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टेज टू में चढ़ना पड़ेगा, और जैसे ही स्टेप टू में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, निकल जाएगा, क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं फोर हाफ लाइफ पीरियड,
ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड में आपको दो जो है ना, दो तीन चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। गाजर का हलवा बस आपको खाना है, खिला कोई नहीं देगा, ठीक है, खिला भी देता है सर, बहुत सारे बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर आपको खिलाया मिल जाता तो और बढ़िया बात है, मुझे तो नहीं मिलती है भाई। अब देखो फॉर हाफ लाइफ पीरियड में हम लोग क्या करेंगे कि टाइम जो होता है ना वो हाफ हो जाता है, टी हाफ, टाइम क्या हो जाता है, टी हाफ हो जाता है, और प्रोडक्ट भी जो है ना वो भी ए हाफ हो जाता है, एक्स का भी वैल्यू क्या हो जाता है, ए हाफ हो जाता है। बस ये दोनों वैल्यू को आपको ये हमेशा के लिए किसी भी ऑर्डर का अगर हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो टी को टी हाफ कर देना और एक्स को ए बाई टू कर देना, किसी के लिए भी, दुनिया का कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन अगर आपको निकालना है और उसका अगर हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो आप टी को टी हाफ मान लेना और एक्स को ए बाई टू मान लेना, ठीक है विनोद। अब ये दोनों जो वैल्यू है इसको इक्वेशन थ्री में पुट कर दो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थ्री। तो जैसे इक्वेशन थ्री में बैठाएंगे तो देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इक्वेशन थ्री में आपका इक्वेशन थ्री क्या है, k is equal to x by t, x का वैल्यू विनोद a by 2 है कि नहीं, दिख रहा है ना सबको, अगर नहीं दिख रहा तो सूझ रहा है ना सब लोगों को, जी सर सूझ रहा है। तो a by 2 यहाँ पर हो जाएगा a by 2 by by क्या t का वैल्यू t half, तो t का वैल्यू t half, और ये क्या था k, you have to find the value of t half because my dear students you have to calculated, you have to find the value of half life period and half life period is denoted by t half, आपको जो है t half निकालना है, half life period निकालना है, क्योंकि half life period को है t half से denote किया जाता है, तो t half चला जाएगा बोरा में, sorry रोड में, k चला जाएगा बोरा में, तो यहाँ आ जाएगा a by 2 by k, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a by 2 k, कोई दिक्कत है क्या, और नहीं है तो मैथ सर से पूछ लेना, जहां आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो उनसे पूछ लेना कैसे होता है, वो अच्छी तरह से आपको समझा देंगे, क्लियर है, चलिए। और नहीं अगर आपको यही समझना है तो टोल फ्री दिया हुआ है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखो टी हाफ निकल गया इतना, तो टी हाफ को आगे बढ़ाते चलो, वन बाई टू के को अलग कर दो और ए को अलग कर दो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, दिल में दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलिए हम सालेंगे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो a by 2 के अलग रखें और a को अलग रखें, अब क्या करना है इसमें पता है t half, ये कांस्टेंट है कि नहीं है, तो कांस्टेंट के बदले हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर देखो विनोद कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो हम लोग कांस्टेंट पुट किए, अब यहाँ पर क्या है कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट दिया है तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, और ये क्या है a का a, दिस इज द इक्वेशन 4, और यहीं तक हम लोग को प्रूव करना था और जो है 5 नंबर लूट के ले लेना था। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन था हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पता है ना तो क्या करना है, अरे सब्सक्राइब ही तो करना है यार। चलिए थैंक यू, बाय बाय। केमिकल काइनेटिक्स का एक प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस किए थे और बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है टू एक्सप्रेस रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किए थे, और ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपका क्लास 12 और सेमेस्टर 3 ग्रेजुएशन BSc जिसको बोलते हैं साइंस जो है उसमें ये टॉपिक आपको पढ़ना है, और देखते हैं हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे स्क्रीन पर पूछता है केमिस्ट्री अड्डे के बच्चे, जवाब दीजिएगा लखवर सर। यस आई एम बी रेडी फॉर यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का इस टाइप का प्यार, इस तरह का प्यार और स्नेह हमेशा मिलता रहे, और आप सबों के लिए मैं 24x7 प्रेजेंस हूँ, आप टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कहीं भी अगर दिक्कत हो तो। चलिए धीरे धीरे हम लोग मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, और हम लोग अपने मुद्दों की बात करेंगे, और आज का जो मुद्दा है हम लोग का क्या है, क्वेश्चन टू एक्सप्रेस रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पिछला वीडियो में आपको पता होगा या आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं कि पिछला जो वीडियो था, पिछला जो क्लास हम लोग अटेंड किए थे, चाहे जो डिस्कस किए थे उसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे,
कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है का रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, जहां पर जीरो था वहां पर क्या कर देना, वन कर देना। जहां पर जीरो था वहां पर क्या कर देना, वन कर देना। और जैसे वन करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एक रिएक्शन मानेंगे और सेशन स्टार्ट करने पहले थोड़ा सा आप लोगों के लिए दो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ, बोलना यही चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ जाता है या क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाती है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कहीं दिक्कत है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, दिल में दर्द है, दिल में चोट है, कुछ भी तरह की समस्या है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका सलूशन मैं जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए। तो सेशन है टू एक्सप्रेस रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड आल्सो फाइंड हाफ लाइफ पीरियड। कि एक रिएक्शन दिया है उसका रेट कांस्टेंट निकालना है फर्स्ट ऑर्डर का और आल्सो फाइंड तथा क्या निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड। चलिए एक रिएक्शन मानते हैं कि ए से बन रहा है प्रोडक्ट, क्या बन रहा है आपका, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। यहां पर दो फॉर्मेट बताए थे हम पिछला ही क्लास देख सकते हैं, पिछला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं फॉर्मेट क्या था हम लोग का। क्या फॉर्मेट था कि एट इनिशियल, शुरुआत में। ठीक है, तो शुरुआत में क्या था, इसका वैल्यू हम लोग क्या माने थे, ए, क्या माने थे, ए, जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होता है उसका वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, ए लेते हैं, स्मॉल ए। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका इनिशियल में, जीरो। क्योंकि देखिए कोई भी रिएक्शन को होने में टाइम लगता है, तो जब तक रिएक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, घंटा जीरो ही होगा यार। चलिए सर जीरो, क्योंकि रिएक्शन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। अब आफ्टर टी टाइम, कुछ देर बाद, कुछ देर बाद मान लेते हैं प्रोडक्ट बन गया एक्स, क्या बन गया एक्स। सपोज दैट आफ्टर टी टाइम देयर विल बी अ प्रोडक्ट फॉर्म इज एक्स, क्या बन गया एक्स। और ये एक्स आया कहां से, मेरे पास दस रुपया पैसा है, हम कुछ खर्चा नहीं किए इनिशियल पॉइंट में, हम कुछ खर्चा अभी नहीं किए हैं, तो दस का दस ही रहेगा कि बीस हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा, दस का दस ही रहेगा। हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे तब ना, कुछ खरीदेंगे तब ना खर्चा होगा। तो सपोज दैट उसी तरह फिर कुछ देर बाद, यानी रास्ता में हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा दूर जाने के बाद कोई भेटा गया या कोई भेटा गई, ठीक है, तो उससे मैंने कुछ खरीद दिया। तो जैसे खरीद दिया तो मान लीजिए पांच रुपया का खरीदा मैंने, तो दस रुपया में क्या होगा, पांच रुपया माइनस होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स बना, ये एक्स कहाँ से निकल रहा, आपका ए से निकल रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए अब हम लोग रेट निकालेंगे, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट यहाँ पर कौन है, ए का, और उसका कंसेंट्रेशन के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, कंसेंट्रेशन के फॉर्म में। और आपको जैसा कि पता है यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का निकालने बोला गया है, तो कंसेंट्रेशन का पावर में कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, जी सर। आर का वैल्यू क्या होता है बाबू, डीएक्स बाई डीटी होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, के यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, जी सर। और ए का जो फाइनल वैल्यू दिया है, क्या दिया है, ए माइनस एक्स का पावर वन, यहां दिया ना ए माइनस एक्स का पावर वन। अब क्या करेंगे इसको, डीएक्स बाई डीटी इक्वल टू के और किसी का पावर वन, मेरे पावर वन हम ही ना रहेंगे, मेरे पावर वन हम ही रहेंगे, घोड़ा का पावर वन घोड़ा ही रहेगा, ठीक है, घोड़ी थोड़े हो जाएगा। तो उसी प्रकार ए माइनस एक्स का पावर वन, तो ए माइनस एक्स ही रहेगा। अब इसको लेके आओ इधर, इसको लेके जाओ उधर, एक्सचेंज ऑफर करा रहे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स और इधर हो जाएगा आपका के इंटू डी टी। आ रहा समझ में, क्लियर, जहां दिक्कत होगा तुरंत कमेंट कीजिएगा या फिर टोल फ्री नंबर में संपर्क कीजिएगा। तो यहां पर डी एक्स बाई ए माइनस एक्स के इंटू डी टी, अब इसका इंटीग्रेटिंग करा देंगे, क्या करा देंगे, इंटीग्रेटिंग, टेकिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। जैसे इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, देख लो विनोद, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स के को रोड में भेज दो खपचा में, और अंदर में क्या बचा, डी टी। आपको पता होगा डी एक्स बाई ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं पता तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप
कहीं पर पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स, तो वहां पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर दिक्कत है तो आप हमसे टोल फ्री नंबर में संपर्क कर सकते हैं, मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। चलिए, तो dx by a minus x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग ए माइनस एक्स, क्या होता है माइनस लॉग ए माइनस एक्स। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर माइनस लॉग आप पढ़ रहे हैं और यहाँ पर क्या लिखे हैं, ln लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, ln लिख दिए हैं। तो केमिस्ट्री में जो है लॉग को ln के फॉर्म में लिखा जाता है, माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जो है लॉग को ln के फॉर्म में लिखा जाता है। तो log a माइनस एक्स इक्वल टू k का k रह जाएगा और dt का क्या हो जाता है t, प्लस हम लोग कॉन्स्टेंट क्या मानते हैं i, इक्वेशन 1, और यहां पर लिख देंगे where i इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, क्या था इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, ये था आपका इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, क्लियर है। अब where के बाद हम लोग क्या मानते हैं, when, क्या मानते हैं when, कि when जब टाइम हम लोग जीरो लेंगे तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा जीरो, किसी को टाइम देंगे तब ना प्रोडक्ट होगा, मान लो कोई रिएक्शन हो रहा और उस रिएक्शन में 5 सेकंड 10 सेकंड 2 मिनट 1 मिनट का टाइम लगेगा, तो टाइम लगने के बाद ना प्रोडक्ट बनेगा कि पहले बन जाएगा इनिशियल पॉइंट पर, नहीं ना, और किसी का अगर बनता है तो चला जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जब टाइम और प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो है, ये दोनों का वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट इक्वेशन 1, जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो माइनस लॉग ए माइनस जीरो, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है जीरो है, इक्वल टू के इंटू क्या हो जाएगा जीरो, प्लस क्या बचेगा आपका सिर्फ आई बचेगा, ये तो पूरा जीरो हो गया चला गया, बचा माइनस लॉग ए, माइनस लॉग ए इक्वल टू आई, इक्वेशन 2 मान लिए इसको, क्या मान लिए इसको बिना इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 का वैल्यू को कहां पुट करते हैं पता है, इक्वेशन 2 का वैल्यू को जो है आपको पुट कर देना है फिर से इक्वेशन 1, कहां पुट कर देना है इक्वेशन 1, तो जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर जो है ये आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, जैसे 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और आई का वैल्यू क्या है के टी प्लस आई है, तो आई का वैल्यू मेरे पास क्या माइनस लॉग ए, माइनस लॉग ए। अब इस माइनस को लेकर चलो रोड के उस पार, भेंट करा देना है उससे, किससे उसी से, ठीक है। अब जैसे इसको उस पार लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं बोलो जी सर, तो जैसे उसको लेफ्ट से राइट लेके आएंगे तो लॉग ए माइनस, लॉग ए माइनस एक्स ये तो पहले से माइनस में था और ये इधर आ गया तो प्लस हो गया, और इधर क्या बचा के टी। अब के टी को इस साइड लेके आओ, इसको इधर ले जाओ, ये दोनों को उधर ले चलो, तो देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, अरे बोलो जी सर, आप आराम से चलिए कोई दिक्कत नहीं मुझे, और अब दिक्कत होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स चमकेगा, यही ना, चलिए चमकाने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हम खुद ही चमका रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्म में है, तो लॉग ए बाई क्या होता है बी, क्योंकि फॉर्मूला अगर नहीं पता तो देख लीजिए लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए बाई बी, तो यहां पर हो जाएगा log a by a minus x, होगा कि नहीं होगा जी। अब यहां पर देखो हमको निकालना था k constant, rate constant निकालने बोला गया क्वेश्चन पे, k निकालना था t चला जाएगा नीचे, और एक चीज नया बता रहे हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट में लिख लीजिएगा कि ln को जब हम लोग log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं kt is equal to 2.303 into log, देख लीजिए ये ln किस में कन्वर्ट हो गया log में, जैसे log में कन्वर्ट हो गया तो इससे क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पर क्या आ गया a by a minus x, और ठीक है चलिए देखो k निकालना है हम लोग को, तो k is equal to t को भेजो नीचे, तो आंसर हो जाएगा 2.303 into log
ए वाई ए माइनस एक्स वाई नीचे क्या हो जाएगा टी, और ये जो हो जाएगा आपका इक्वेशन थ्री, और यही हम लोग को क्या था प्रूव करना था। ठीक है, आप देख सकते हैं इक्वेशन वन मिला, इक्वेशन टू मिला, टू का वैल्यू को वन में पुट किए, जैसे वन में पुट किए तो आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग को इक्वेशन थ्री मिल गया, और यही था हम लोग का रेट क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, बट पांच नंबर सीधे आपके पॉकेट में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है विनोद, चलो अब क्या करना है, क्वेश्चन में फिर से एक पॉइंट जोड़ दिया है, ऑल्सो फाइंड हाफ लाइफ पीरियड, और क्या निकालना है हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लगेगा टाइम, दो मिनट वेट कीजिएगा, खत्म हो जाएगा सेशन। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे फिर से, और लिख देंगे फोर हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड में टाइम क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, और प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। आपको मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि टाइम जो होता है वो भी हाफ हो जाता है टी हाफ, और प्रोडक्ट जो होता है वो भी हाफ हो जाता है, जितना टाइम देंगे उतना ही ना बनेगा, आधा टाइम देंगे तो आधा बनेगा, फुल टाइम देंगे तो फुल बनेगा। तो यही था इसका फंडा। अब टी का वैल्यू टी हाफ हो गया, एक्स का वैल्यू ए हाफ हो गया, अब ये दोनों का वैल्यू को इक्वेशन थ्री में क्या कर दो ठेल दो बैठा दो पुट कर दो। तो यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन थ्री, तो जैसे थ्री में पुट करेंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग ए बाय ए माइनस ए बाय टू बाय टी हाफ, ये होगा देख लो, क्योंकि टी का वैल्यू टी हाफ मानना है, ए का वैल्यू ए रहा, ए का वैल्यू ए रहा, और एक्स का वैल्यू क्या हो गया ए बाय टू, क्योंकि एक्स का वैल्यू ए बाय टू है। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये जो पूरा कैलकुलेशन करेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा टू आंसर, क्या आएगा आप देख सकते हैं रॉक में कैलकुलेशन करके क्या आएगा टू आएगा। तो हमको टी हाफ निकालना, टी हाफ को ऊपर लेके चलो, तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303 और नीचे आ जाएगा के, और ये पूरा कैलकुलेटिव करेंगे तो आंसर हो जाएगा लॉग टू, इसका वैल्यू कितना होगा टू आएगा, और लॉग टू का वैल्यू पुट कर देना है 20-10 जो कि क्लास 11 में, आपको एक बात याद होगा कि क्लास 11 में जब पीएच वैल्यू मैंने पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो पीएच वैल्यू में पीएच निकालने के लिए मैंने सिखाया था, और लॉग टेबल भी सिखाया था कि कैसे ट्रिक से याद किया जाता है, और नहीं पता तो जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, लॉग टू का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 ये होता है लॉग टू का वैल्यू, और नीचे कौन है आपका के, फिर इसको जब आगे बढ़ाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो आंसर हो जाएगा 0.693 बाय के, और यही था हम लोग का प्रूव करना इक्वेशन फोर। ठीक है, और सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन, और आज की सभा समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास, जय हिंद जय भारत के साथ।